गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों से एक मूवी के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। थैंक यू फॉर कमिंग भूमि पेडनेकर एंड हासगिल कुशा डॉली शिवानी। पूरा लड़कियों का गैंग ही दिखाया जा रहा है। सो मैंने कहा मैं भी उस पर ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ अपना। पहली बात, अगर आप कुशा या शहनाज गिल के फैन हैं तो मूवी देखने बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उसमें उन लोग का रोल बहुत ही छोटा सा है, मतलब बहुत ही छोटा सा। शहनाज गिल ने बस उसमें कैमियो किया है एंड गर्ल्स की सेक्स लाइफ के बारे में बताया गया है मूवी में। एंड समझ ही नहीं आ रहा, मतलब इधर से खिचड़ी पक रही है, इधर से रायता फैल रहा है, कुछ समझ नहीं आया। मुझे देख के हेडेक हो गया और मैं मूवी में से वापस एग्जिट करके आ गई। अगर आपको देखना है मैं तो कहूँगी कि मत जाइए। अगर आपको फिर भी देखना है, टाइम पास ही नहीं हो रहा है, तो आप जाके देख सकते हैं। और आपको पसंद नहीं आई और वापस कई सारे, इवन जेंट्स का तो छोड़ दो, लेडीज इतने सारे थिएटर में बैठे हुए थे, सब उठ उठ के जा रहे थे वो मूवी देख के। बहुत ही ज़्यादा कुछ बल्गर, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद ये मूवी OTT पे रिलीज होगी तो बच्चे भी देखेंगे, तो बच्चों को गलत इफेक्ट होगा। सो मे बी नहीं बनानी चाहिए। ऐसे पहले एक और मूवी कुछ आई थी, उसमें सौरभ भास्कर थी। सो सेम वही कॉन्सेप्ट, अलग है, सेम वही सेक्स लाइफ के बारे में पूरा बताया गया है। सो ओवरऑल मूवी मुझे तो पसंद नहीं आई। अगर आपको देखनी है आप जाके देख सकते हैं। हाँ, फ्रेंडशिप थोड़ी अच्छी बताई गई है, जो कि रियल लाइफ में होती नहीं है। ऐसी फ्रेंडशिप मैंने कभी नहीं देखी है, वो सिर्फ मूवियों में देखती है, और वो भी इस तरीके की मूवियों में। एंड यस, सो आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं ना। मुझे पसंद नहीं आई, आपको पसंद आए तो देख लेना। एंड यस, दिस इज द ऑनेस्ट रिव्यू। थैंक यू फॉर कमिंग। आई होप आपको हेल्प करे कि आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते, आपकी चॉइस है। सो यस, थैंक यू फॉर कमिंग। सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।